हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, वन बाय वन अपसेलिंग के बारे में जानेंगे और क्रॉस सेलिंग के बारे में बात करेंगे। जो लोग नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो मेरे इस चैनल में आता रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं अपसेलिंग क्या है। व्हाट इज अपसेलिंग? फ्रेंड्स, अपसेलिंग इज ए टेक्निक ऑफ सेलिंग द बेटर प्रोडक्ट ओवर द गुड प्रोडक्ट। ठीक है, तो अपसेलिंग एक ऐसा सेलिंग टेक्निक है जिसमें सेल्समैन जो बेटर प्रोडक्ट को, जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट रहता है, उसे बेचता है। ठीक है, यानी कि गेस्ट के चुने हुए प्रोडक्ट के अगेंस्ट में वो जो ज्यादा कॉस्टली या जो ज्यादा जो एक्सपेंसिव होता है, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है, ऐसे प्रोडक्ट को बेचता है। तो इसी जो सेल करने का जो टेक्निक है, इसे ही अपसेलिंग कहा जाता है। फ्रेंड्स, अपसेलिंग को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एक मोबाइल दुकान में कोई कस्टमर मोबाइल लेने के लिए आता है। ठीक है, अगर उसका चॉइस कोई एक 18,000 का मोबाइल लेने का है, ठीक है, तो जो सेल्समैन है वो कोशिश करता है कि वो उससे ज्यादा दाम वाला, उससे ज्यादा जो एक्सपेंसिव है, ज्यादा जिसमें फीचर्स है, उस प्रोडक्ट को बेचे। ठीक है, तो जो कस्टमर 18,000 का मोबाइल लेने के लिए दुकान पे आता है, सेल्समैन कोशिश करता है कि उसको 20,000 वाला मोबाइल बेचे। ठीक है, इसके लिए वो क्या करता है कि उनके कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स को बताता है। ठीक है, कि सर ये देखिए, जो आप ये मोबाइल लेने आए हैं, इससे बेहतर जो है ये प्रोडक्ट है। ठीक है, इसका दाम थोड़ा सा ज्यादा है, आप 2,000 दे करके एक अच्छा प्रोडक्ट ले सकते हैं, जिसका फीचर्स भी जो है वो काफी बढ़िया है। इसके कैमरा अच्छा है, इसका जो मेमोरीज है वो अच्छा है ना, इसका जो ओवरऑल जो जो फीचर्स है वो काफी बढ़िया है। तो आप थोड़ा सा और ज्यादा एक्सपेंस करिए, थोड़ा सा और ज्यादा खर्चा करिए, तो आपको जो है बहुत ही बढ़िया मोबाइल मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो सेलिंग करने का जो टेक्निक है, इसे ही अपसेलिंग कहा जाता है। दूसरा एग्जांपल समझते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि कोई कस्टमर जो है टीवी लेने के लिए जाता है, ठीक है, उसे जो है 32 इंच का टीवी लेना है, बट सेल्समैन उसको कन्विंस करता है कि सर ये जो है 42 इंच का टीवी काफी बढ़िया है, साइज में भी काफी बढ़िया है। ठीक है, आप थोड़ा सा 10,000-5,000 ज्यादा जाइए, आपको बहुत ही बढ़िया टीवी मिलेगा, साइज काफी बढ़िया है, इसका जो ब्राइटनेस काफी अच्छा है, इसका ओवरऑल जो फीचर्स है वो काफी बढ़िया है, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा पैसा खर्चा करने से काफी बढ़िया जो फीचर्स मिल जाएगा। तो इस तरह से जो सेल्समैन है वो कस्टमर को कन्विंस करता है और 32 इंच के टीवी के जगह में 42 इंच का टीवी जो है वो सेल कर देता है। तो इस तरह का जो सेल करने का जो टेक्निक है, इसे ही अपसेलिंग कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, सेम थिंग अपसेलिंग टेक्निक का यूज होटल इंडस्ट्री में भी किया जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई गेस्ट आया और वो जो है फिश का ऑर्डर कर रहा है। ठीक है, जैसे कोई भी गेस्ट जो है सिंपली फिश करी का ऑर्डर कर रहा है, तो एक ऑर्डर टेकर जो होता है, वहां का जो सुपरवाइजर होता है, उसको अपसेलिंग करने आना चाहिए और वो जो है वो फिश, सिंपल फिश करी के जगह में वो गेस्ट को बोल सकता है कि सर हमारे यहाँ जो है, आपको अगर फिश ही करना है तो हमारे यहाँ प्राउन्स काफी बढ़िया बनाया जाता है। ठीक है, तो आप ट्राई करिए। इससे क्या होगा कि एक सिंपल फिश करी के जगह में एक जो जो ऑर्डर टेकर है वो प्राउन्स करी बेच देगा। ठीक है, इसमें जो है आपको प्राइस में काफी फर्क पड़ेगा, काफी जो है रेट में काफी फर्क, मेनू प्राइस में काफी फर्क पड़ेगा और इस तरह से सेल जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो सिंपल जैसे कोई गेस्ट जो है मटन खाना जिसको है, ठीक है, वो आके सिंपल मटन करी का ऑर्डर कर रहा है, तो एक ऑर्डर टेकर कोशिश करेगा कि सर हमारे यहाँ जो आज का जो स्पेशल मटन डिश है, स्पेशल प्रिपरेशन ऑफ मटन फॉर द डे, तो आप उसको ट्राई करिए, काफी बढ़िया है। तो नॉर्मली क्या होता है, स्पेशल डिश जो होता है उसका प्राइस ज्यादा होता है, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है। तो इस तरह से एक सिंपल जो डिशेस के जगह में कुछ यूनिक चीजें जो हाई प्राइस्ड है, उसको हम बेच करके जो है अपना सेल को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह का जो सेल को बढ़ाने का जो टेक्निक है, इसे ही अपसेलिंग कहा जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा कि अपसेलिंग एक ऐसा सेलिंग टेक्निक है जिसमें जो हाई प्राइस्ड जो प्रोडक्ट होता है उसको बेचा जाता है, जिससे कि सेल जो है बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम फ्रेंड्स इस वीडियो में जानेंगे कि क्रॉस सेलिंग क्या है। व्हाट इज क्रॉस सेलिंग? क्रॉस सेलिंग इज ए टेक्निक ऑफ सेलिंग द रिलेटेड सेकेंडरी प्रोडक्ट अलोंग विद द प्राइमरी प्रोडक्ट। यानी कि क्रॉस सेलिंग एक ऐसा टेक्निक है सेल करने का, जिससे जिसमें प्राइमरी प्रोडक्ट के साथ जो कस्टमर को चाहिए, उस प्राइमरी प्रोडक्ट के साथ सेकेंडरी प्रोडक्ट को भी बेचा जाता है। ठीक है, जो भी रिलेटेड प्रोडक्ट है उसको बेचा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए फ्रेंड्स, अगर कोई मोबाइल लेने आया कोई भी कस्टमर, ठीक है, वो 20,000 का मोबाइल लिया, तो एक सेल्स पर्सन क्या कर सकता है कि सर आपने एक
अच्छा एक्सपेंसिव मोबाइल लिया हुआ है, ठीक है, काफी महंगा मोबाइल है, तो आप जो है इसमें टफन लगवाइए जिससे कि जो है स्क्रीन में किसी तरह का कोई स्क्रैचेज नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑफ कोर्स जो 20,000 का मोबाइल लेगा वो एक टफन गिलास लगाने में हिचकिचाएगा नहीं, ठीक, टफन गिलास ले लेगा। अब जैसे ही ये टफन गिलास लगाता है वो बोल सकता है कि सर आप इसमें बैक कवर भी लगा लीजिए, ठीक है, इस मोबाइल का ये जो बैक कवर आया है काफी बढ़िया है, ठीक है। तो वो टफन गिलास के साथ साथ बैक कवर भी लगा लेगा। अब बाद में सेल्स जो सेल्समैन है वो उसको ब्लूटूथ लेने के लिए कन्विंस कर सकता है, ठीक है, हेडफोन लेने के लिए, ईयरफोन लेने के लिए कन्विंस कर सकता है, सर आप ये लेके जाइए आपको जो म्यूजिक का काफी बढ़िया एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो इस तरह से एक मेजर प्रोडक्ट यानी कि मोबाइल के साथ वो टफन ग्लासेस, बैक कवर, ब्लूटूथ या ईयरफोन्स भी बेच देता है। तो इस तरह से जो जहां पे 20,000 का जो रेवेन्यू आने वाला था, 20,000 का जो सेल होने वाला था, इसके जगह में आप 22,000-23,000 का सेल हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो है क्रॉस सेलिंग किया जाता है, यानी कि जो मेजर प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड जो भी सेकेंडरी प्रोडक्ट है उसको भी बेचा जाता है। सेकेंड फ्रेंड्स एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं क्रॉस सेलिंग का, वो है जैसे कि कोई जो है कस्टमर लैपटॉप लेने आता है, ठीक है, लैपटॉप ले लेता है, फाइनल हो जाता है, तो जो सेल्स पर्सन है उनको लैपटॉप बैग लेने के लिए जो कन्विंस करता है, सर आप इतना अच्छा महंगा जो लैपटॉप लिए हैं तो ये जो है लैपटॉप बैग लेते जाइए जिससे कि आपका जो लैपटॉप है उसको कैरी करने में आसानी होगा। साथ ही साथ पेन ड्राइव लेने के लिए कन्विंस कर सकता है, और ऑफकोर्स जो जो गेस्ट है 40-50 हजार का लैपटॉप ले रहा है तो बैग भी लेगा, पेन ड्राइव भी लेगा, ठीक है। तो इस तरह से मेजर प्रोडक्ट लैपटॉप के साथ साथ वो पेन ड्राइव और लैपटॉप बैग भी सेल कर देता है। तो फ्रेंड्स सेम चीजें होटल इंडस्ट्री में भी होता है, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, बैंक्वेट हो, बार हो, कहीं पर भी, ठीक है, ये सारा जो टेक्निक है सेल करने का ये होटल इंडस्ट्री में भी यूज में लाया जाता है, ठीक है। तो क्रॉस सेलिंग के लिए अब होटल इंडस्ट्री में देखेंगे क्रॉस सेलिंग कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गेस्ट आता है वो सिर्फ मेन कोर्स का ऑर्डर कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम जो है कुछ एक्स्ट्रा चीजें भेज सकते हैं, जैसे सूप जो है सूप के लिए कन्विंस कर सकते हैं, स्टार्टर्स के लिए कन्विंस कर सकते हैं, सैलेड के लिए कन्विंस कर सकते हैं। तो इस तरह से जो मेजर कोर्स है, ठीक है, मेन कोर्स के साथ साथ हम ये सारी चीजों को जो उससे रिलेटेड है खाने पीने से उनको भी भेज सकते हैं और अपने सेल को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई गेस्ट आता है तो सबसे पहले हम उनको मिनरल वाटर के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल वाटर की जगह हम मिनरल वाटर भेज देते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स सेल कर सकते हैं, ठीक, कन्विंस करते हैं कि सर हमारे यहाँ ये कोल्ड ड्रिंक्स है आप ट्राई करिए, खाने के साथ काफी स्वीटेबल होगा, ठीक है। खाना हो जाने के बाद हम डेजर्ट्स के लिए कन्विंस कर सकते हैं कि सर हमारे यहाँ जो ये डेजर्ट काफी बढ़िया बनता है, ये स्वीट काफी बढ़िया बनता है, तो इस तरह से बोल करके हम गेस्ट को कन्विंस करते हैं और सेल करते हैं। इससे जो होता है जो बिल ज्यादा बिल जनरेट होता है, सेल जो है हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल जो है वो हम ले सकते हैं कि सपोज जो है छोटा मोटा जो रेस्टोरेंट होता है जैसे कि कैफे वगैरह होता है उसमें कोई गेस्ट अगर कोई बर्गर खाने के लिए आ गया, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम उसको कोल्ड ड्रिंक्स ऑफर कर सकते हैं, साथ साथ अगर टी कॉफी हो तो वो ऑफर कर सकते हैं, है ना, फ्रेंच फ्राई के साथ टी कॉफी ऑफर कर सकते हैं। तो इस तरह से जो मेजर प्रोडक्ट है जिसके लिए गेस्ट आया हुआ है, ठीक है, तो इसके साथ साथ हम जो सेकेंडरी प्रोडक्ट है जो उससे रिलेटेड है उसको भी सेल करते हैं। तो इस तरह से सेलिंग करने का जो टेक्निक है इसे ही क्रॉस सेलिंग कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड इस तरह का बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो आता रहता है।